आपका बच्चा मासूम तो नहीं, आपको बता दे रहा हूं, मेरे दोस्त ने इस हरामखोर को अपनी कंपनी में जॉब रेफरेंस के लिए बुलाया था, खुद तो जॉब लिया नहीं, उसकी जॉब भी खा गया। एचआर ने कहा था शो मी योर टेस्टिमोनियल्स। ना जाने क्या दिखाया आपका मासूम बच्चा। तो मैं भी अंदर आ गया और कुछ मेहमान आना चालू हो गए थे, और आप मेरी, मतलब मेरी स्थिति समझो ना, मानसिक स्थिति, मुझे अभी अभी पता चला है कि कल मेरी शादी है, किससे, मेरी हिम्मत ही नहीं है पूछने की किससे। मैं कहा मम्मी मैं जाता हूँ ऊपर सोने के लिए, आप मेहमानों को रिसीव करो, अब कल देखते हैं जो भी है, कल है ना शायद, ठीक है कल से फंक्शन से। हमारा जो घर है नागपुर में, वो ऐसे दो फ्लोर का ऐसे हॉल है, और ऐसे यहाँ से स्टेयर्स गई है और ऊपर में रूम्स है बहुत सारे, ठीक है। तो मैं गया ऊपर में और ऊपर जाके एक रूम में सो गया, मेहमान आना चालू हो गया। अब मेरी जो शादी थी ना, उसमें एक रिमर उड़ाया हुआ था जो सच भी था, कि मेरी ना सालिया बहुत है, मतलब एक साली है जो 24 साल की है, उसकी क्लोज कजन्स काफ़ी सारे हैं और वो सब शादी में आने वाले हैं, और ये सुन के मेरे सारे कजन्स आ गए थे, सारे जो कज़न नहीं है वो भी आ गए, हाँ सालिया बहुत है, बहुत मज़ा आने वाला है, सारे आ रहे भाई, सारे आ रहे। और मैं तो ऊपर सोया हुआ था और मैं एकदम फुल डिप्रेशन, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है यार, क्या होगा कल, कैसे होगा। जैसे तैसे मैं सोया एकदम डिप्रेशन में, ऐसे ऐसे सपने देखे बता नहीं सकता हूँ, मतलब सपने में मेरे ऊपर से ऐसे आंखों के आगे से दाढ़ी मूछ वाली कटरीना कैफ आके नाच के चली गई है। मैं किस तरह के सपने देख रहा हूँ मैं। फिर सुबह सो करके उठा तो 8 बज गए थे, मैंने कहा अब जाके देखता हूँ क्या हुआ है, नीचे क्या तैयारी हुई है। तो मैं वापस सीढ़ियों से नीचे आया तो सीढ़ी से देखता हूँ नीचे हॉल में 18 लड़के, 18 कजन, सो कॉल्ड कजन, फर्जी कजन, लाइन से खड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि किसी सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज की मैकेनिकल बैच खड़ी कर दी है पूरी सामने। सब सालियों के चक्कर में आके खड़े थे, बजे बजे चल रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, अच्छा माहौल था। और मैं देखा कि सोफे पे एक बंदा बैठा है लुंगी पहन के, बनियान में भजिए खा रहा है, अरे मजे करो मजे करो, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा भाई तू कौन है, मतलब तेरी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। कहे भैया मैं आपका उबर वाला। तू अभी तक यही है। कह अरे भैया क्या बात कर रहे हो, माँ जी ने रोक लिया, कहा दूल्हे की गाड़ी तू ही चलाएगा, सुना है सालिया बहुत है भैया आपकी। हाँ सामने इतने सारे कजन्स, मेरा जो एक क्लोज कजन है छोटू जो पहचान का है मिर्जापुर से, मैंने कहा कि ये कब आए। कहता भैया कल आप रात को सो गए थे ना, उसके बाद आए, दुनिया में कब आए ये, मतलब इतना बड़ा हो गया आज तक मैंने अपने कजन नहीं देखे सारे। कहते भैया क्या बात कर रहे हो आप, मतलब इतनी सारी सालियां हैं, ठीक है इतनी बड़ी शादी होने वाली है तो छाप तो छोड़नी है, उन्हें भी पता चले तिवारी आए थे। और यहाँ पर एक बंदा बैठा था कोरियोग्राफर टाइप का, शायद कुछ डांस प्रैक्टिस चल रही थी, उसने लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ था म्यूजिक सिस्टम में और ऐसे सर झुका कर बैठा हुआ था। पर मैंने कहा तुझे क्या हुआ, तू है कौन। कहता है भैया मैं कोरियोग्राफर। हमने कहा हाँ तो इतना दुखी क्यों है तू। कहता है भैया ये मुझे उठा के लेके आए हैं, कहते हैं कि जब आपके जूते चोरी हो जाएंगे, सालियां जूते मांगने आएंगी तो जूते ले लो, पैसे ले लो, का डांस करना है हम लोगों को, सालियों को करना है इम्प्रेस, और हमको वो डांस सिखा दो। भैया पूरे सॉन्ग में सिर्फ 3 ही स्टेप्स है, जब चुटकी बजेगी तो भैया मैं चुटकी बजाऊंगा ना, जूते है तो जूते दिखाऊंगा, पैसे है तो पैसे दिखाऊंगा, कहते हैं 4th स्टेप लेके आओ। कहते हैं रिपीटेशन नहीं चाहिए, इंप्रेशन कैसे जाएगा, छाप छोड़नी है कह रहे हैं। भैया जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। क्या बात कर रहे हैं तू, 4th स्टेप के लिए जान से, भैया मुझे बोल रहा है कि अगर 4th स्टेप नहीं लाया छाती मार दूंगा गोली, पंखे से लटका दूंगा उल्टा, और पंखा कर दूंगा चालू ताकि प्राण निकले पिछवाड़े से और नीचे बड़े रांगोड़ी। मैं कहा छोटू रांगोड़ी। कहता भैया आर्टिस्ट आदमी है ना। आर्ट बनाते हुए जाएगा। मैं कहा छोटू को क्या प्लान कर रहा है तू, ये जूते ले लो पैसे दे दो, तुम्हारा प्लान गलत है तुझे पता है, ठीक है जूते ले लो पैसे दे दो, किसी भी शादी में परफॉर्म करने का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है कि लड़की वालों को भी स्टेप्स पता होने चाहिए, लड़की ब्राउन मुंडे प्रिपेयर कर रही हो तो तुम्हारा चूतिया कट जाएगा, समझ रहे हो। तो छोटू कहता भैया क्या टेंशन है ना बोली रहा है ना 3 स्टेप है, चुटकी जूते पैसे, हमको देखे कॉपी कर लेंगी, सिंपल। मैंने कहा तुम लड़के वाले हो ना, तुम्हारे स्टेप्स लड़के वाले हैं, तुम जूते मांग रहे हो, पैसे ऑफर कर रहे हो, वो भी जूते मांगेगी क्या, लड़कियों के स्टेप्स तो अलग होने चाहिए ना। मैंने कहा सुन अब मुझे ऐसा मत बोल देना कि मेरे भाइयों में से, यानी मेरे कजन्स में से मेरा कोई भाई साली भी बना है और उसने सालियों के स्टेप्स प्रिपेयर किए हैं,
कहता है भैया एक्चुअली अग्रवाल और कुरेशी को इसी काम में लगाया है। मैंने कहा हराम करो, सॉन्ग गया भाड़ में, पहले बताओ मेरे कजन में अग्रवाल और कुरेशी कब आए भे। हाँ मैं यूपी से हूँ, ठीक है तिवारी मिश्रा शर्मा तक चलता है, अग्रवाल कुरेशी कहाँ से आ गए। कहते भैया अग्रवाल जो है मेरे मम्मी पापा के बहुत अच्छे दोस्त है, उसके मम्मी पापा तो उनको जब पता चले कि छाप छोड़नी है तो उन्होंने कहा छाप छोड़नी है मेरे बेटे को ले जाओ, हम भी आते हैं साथ में, मेरा बेटा जहाँ जाता है छा जाता है, छोटा अग्रवाल और कुरेशी उनका पड़ोसी। तो भैया हम लेके आ गए। मैंने कहा कहाँ है कुरेशी। कहते भैया वो आज फ्राइडे है ना तो ऊपर नमाज पढ़ रहा है ऊपर रूम में। मैंने कहा ठीक है, और अग्रवाल कहाँ है। भैया वो थोड़ा सा बंद हो गया है। मैंने कहा हाँ। कह भैया आपके सोने के बाद ना कल रात को हमने छोटी सी पार्टी कर ली, हमने उसको कहा था कि आप मत पीजिए आपको हजम नहीं होती, हरामखोर माना नहीं, पीते गया सुबह लड़खड़ा के चल रहा था भैया, कितने तमाशे किए रात को मैं बोल नहीं सकता हूँ। सुबह बुआ जी आई, बुआ जी कहती है कि गंगा जल छिड़कने के लिए बॉटल दे दो, तो बची हुई रॉयल स्टैग भी पूरी पी करके बॉटल पकड़ा दिया है बुआ जी को। बुआ जी उसमें पानी डाल करके जो मेहमान है उनके ऊपर छिड़क रही है। ताऊ जी मजे ले रहे हैं, कहते कि ये क्या था बुआ जी, इसके साथ थोड़ा पापड़ और चकना भी छिड़क देते ना, मजा ही आ जाता है कसम से। हाँ सुबह भी लड़खड़ा के चल रहा है, किसी तरह उसको चलना नहीं हो रहा, तो हमने उसको कहा कि जा जिस रूम में कुरेशी भाई हैं आप जाओ उस रूम में जाके आराम करो ताकि शादी तक आप थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। उतनी देर में मेरी मौसी ऊपर रूम से दौड़ते हुए आई, हम लोग खड़े थे, दौड़ते हुए आई और आके हमको कहती है कि ऊपर रूम में दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। और कौन छिपा है मेरे घर में, चल क्या रहा है। तो हम ना सब बड़े भागते भागते एकदम ऊपर गए रूम में, देखा और जैसे दरवाजा खोला तो देखा कुरेशी तो बाहर ही खड़ा था, बाहर निकल रहा था, अंदर देखा तो अग्रवाल नमाज पढ़ रहा था। ये क्या हुआ। तो कुरेशी कहता है भैया मैंने चटाई लगाई, ये हरामखोर बिस्तर पे सोया हुआ था भंड होकर के, मैंने चटाई लगाई और जैसे ही नमाज पढ़ने बैठा आके मेरे बगल में चटाई लगा के बैठ गया, मुझे लगा होगा रिलीजन एंथुजियास्ट, भैया मेरा हो गया इसका हो ही नहीं रहा है। हम देख रहे हैं वो भाई एकदम लीन एकदम लगा हुआ है, और जब सारे बड़े ऊपर आ गए थे तो अग्रवाल के मम्मी पापा भी आ गए। आए झांक के देखा तो उनका बेटा नमाज पढ़ रहा है सामने में। वो उसकी तरफ बढ़े जैसे ही, कुरेशी पीछे से कहता है कि अंकल जी नमाज चल रही है बीच में टोकना मत, अपशकुन हो जाता है। छोटू कह रहा भैया ये तो अभी से छा गया। यही छाप छोड़ेगा। अग्रवाल के पापा ने जैसे ही अगर छोटे अग्रवाल को टच किया अग्रवाल गिर गया। वो गिर के कुछ तो बड़बड़ाने लगा। तो छोटू कहता ये नमाज भी नहीं पढ़ रहा था। हाँ तो अग्रवाल के जो पापा थे उनको आया गुस्सा, उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी लात से अपने बेटे की छाती पे जोरदार प्रहार किया। ऐसी एक लात जैसे ही पड़ी ना अग्रवाल अपनी ही फिल्म में चलाने लगा, अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद कर। पहले तो अग्रवाल के पापा की आंखें फटी। फिर अग्रवाल की मार होने लगी। अग्रवाल की मार होने लगी, कहती है कि मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, मेरा मासूम बच्चा, मैं कहती थी तिवारियों के संगत में मत रहे। तो ये सुन के मेरा जो कजन था छोटू वो भड़क गया, कहता क्या बात कर रही हैं आंटी जी आप, नहीं आपको क्या लग रहा है कि अग्रवाल को तिवारियों ने कुरेशी बना दिया। हाँ मासूम आपका बच्चा मासूम तो नहीं, आपको बता दे रहा हूँ, मेरे दोस्त ने इस हरामखोर को अपनी कंपनी में जॉब रेफरेंस के लिए बुलाया था, खुद तो जॉब लिया नहीं, उसकी जॉब भी खा गया, एचआर ने कहा था शो मी योर टेस्टिमोनियल्स। ना जाने क्या दिखाया आपका मासूम बच्चा। एचआर आज तक सिकली से वापस नहीं आई है। मासूम बच्चा, आपके मासूम बच्चे को। आपके मासूम बच्चे को हमने कहा था कि आप मत पीजिए आपको हजम नहीं होती, नहीं माने, रॉयल स्टैग पे रॉयल स्टैग चढ़ाए जा रहे, जब चलना एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे तो धनिया पत्ती रोल करके फूकने लगे। फूकने के बाद कहते हैं आप कजन को उठाना है। मैंने कहा कैसे उठाओगे, तो साड़ी पहन ली, कहते मैं कटरीना कैफ हूं, जाके सारे कजन को उठा के, अरे मैं कटरीना कैफ हूं, मेरे पर पैसे फेंको छाप छोड़नी है। तो भीड़ में से अचानक एक आदमी निकला रैंडम, वो भी हमारा कजन नहीं था, वो निकला, मैंने कहा कितने छिपे हैं इस घर पे।
वो निकला और उसने अग्रवाल ऑलरेडी जो पीट रहा था, लात खा रहा था, उसके ऊपर अपनी लात और लगाना चालू कर दी। पहली लात, दूसरी लात, मुझे लगा वो सचमुच में कटरीना कैफ थी। हमने छाप भी छोड़ी। अब देखो हमको तो आ रहे थे मजे, क्योंकि हमारे तो कजन भी नहीं थे, ये आए थे सालियों के चक्कर में, तो पिटो। लेकिन कुरैशी के पहचान के थे, तो कुरैशी ने दिखाई इंसानियत। कुरैशी भीड़ में से दौड़ते हुए गया और अग्रवाल अंकल के पैरों में पड़ पड़ा, कहता है कि भगवान का वास्ता है, आपको इसे मत मारिए। मैंने कहा मेरे घर में चल क्या रहा है? अग्रवाल अल्लाह से मदद मांग रहा है, कुरैशी भगवान का वास्ता दे रहा है। मैं कहा भाई तुम लोगों ने धनिया पत्ती तो नहीं रोल की थी कल रात को? हाँ, और जिस तरह से चल रहा है ना, अच्छा हुआ मैं सोया हुआ था, मुझे उठा के पार्टी करवा देते ना तो आज रात को मंत्र के बाद मैं भी कबूले कबूले बोल के आ जाता। अब तो ये सब चल रहा था तो कोरियोग्राफर खिसक लिया, उसने सारे पागल है, इस घर में बस यही मौका है। वो खिसक लिया, मेरे पापा का फोन आता है कि तुम घर पे क्या चल रहा है? मैंने कहा क्यों? एक आदमी बिना चप्पल के भागा है। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि कैसी बात कर रहा है, नमाज है ना, ये अग्रवाल क्यों अल्लाह से मदद मांग रहा है ना, कुरैशी क्यों भगवान का वास्ता दे रहा है? तो उसके लिए एक शायरी है, वो शायरी ये है कि मुद्दतों से न जाने कितने इस मजहबी चक्कर में बर्बाद हुए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का भी है मेरे दोस्त कि जब भी मुसीबत अपनों पर आई, अल्लाह और भगवान एक साथ हुए हैं। तो ये तो हो गया कवर। इंदौर में जाना पड़ता है मुझे भी।